गया के प्रभावती अस्पताल परिसर में कौओं की मौत से हड़कंप मचा है। अस्पताल के कर्मचारी ने देखा कि परिसर में 15 से अधिक मृत कौओं का शव पड़ा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कौओं की हो रही लगातार मौत ने लोगों को सकते में डाल दिया है। प्रभावती अस्पताल परिसर में एक दर्जन से ज्यादा कौओं की मौत से लोग दहशत में हैं। कौओं की मौत की सूचना के बाद जिला पशुपालन विभाग और वन विभाग की क्विक रेस्पॉन्स टीम मौके पर पहुंची है। बढ़ते संक्रमण के बीच टीम ने पीपीई किट पहना उसके बाद मृत कौओं को अपने साथ ले गई है। अधिकारी बताते हैं कि वर्ष 2019 से प्रभावती अस्पताल में हर साल इसी मौसम में कौओं की मरने की खबर मिलती है। जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं जिसे पटना भेजा जा रहा है। वहीं कई कौओं को जमीन में दफना दिया गया होता है कि कौआ मरने का रिपोर्ट होता है तो हम लोग तो जनरली हर साल यहाँ से सैंपल कलेक्ट करके उसको लेबोरेटरी में भेज देते हैं, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव खबर नहीं आया है एवियन इन्फ्लुएंजा का। तो अभी प्रायमा फेसी एवियन इन्फ्लुएंजा नहीं लग रहा है, ये कि या तो वेदर का इफेक्ट हो सकता है या किसी केमिकल पेस्टिसाइड का इफेक्ट हो सकता है। ये लेबोरेटरी में टेस्ट आने का रिपोर्ट आने के बाद ये कन्फर्मेशन हो पाएगा कि ये एवियन इन्फ्लुएंजा है या कोई किसी और कारण से। तो अगर रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं, इसलिए रिपोर्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो फिर ये खबर आ जाता है हमें। इस बार क्या आशंका लगाया जा रहा है? नहीं, कोई आशंका नहीं, कोई दिख रहा कहीं, और पूरे गया जिला में कहीं भी इस तरह का रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो अननेचुरल डेथ है ये कौए का, सिर्फ ये प्रभावती हॉस्पिटल में अभी तक आया खबर। अभी देखते हैं सैंपल को भेज के, अभी तो हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पे 10-15 कौओं का रिपोर्ट है यहाँ पे डेथ का। और जैसे यहाँ का अथॉरिटी बता रहे हैं कि कल से ही हो रहा है ना, तो बाकी अंदर फर्दर इसको वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कह दिया है कि अपने जो भी मैनेजमेंट यहाँ के हैं कि जो बाकी जो सैंपल है उसको डीप बरियल कर रहे हैं उसको, ठीक है ना, और कैंपस को सैनिटाइज कर रहे हैं।